उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के एक फैसले को लेकर फिर मुगल कालीन इतिहास पर बहस छिड़ गई है। योगी सरकार ने ताजमहल के निर्माणाधीन म्यूजियम का नाम शिवाजी के नाम पर करने का फैसला किया है, जबकि 2016 में जब तक की अखिलेश सरकार ने इस पर काम शुरू करवाया था, तब इस म्यूजियम का नाम मुगल म्यूजियम रखने का फैसला हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दलील है कि गुलामी की मानसिकता के प्रतीकों की कोई जगह नहीं है। ऐसे में सवाल है कि क्या योगी आदित्यनाथ मुगल कालीन चीजों को गुलामी की मानसिकता मानते हैं और उनका नाम बदलेंगे, और अगर नाम बदलेंगे तो क्या इतिहास बदल जाएगा। वैसे विपक्ष कह रहा है कि योगी कोई काम नहीं कर रहे, इसलिए बस नाम बदल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह और आप देख रहे हैं यूपी तक। ताजमहल तो मुगल कालीन इतिहास की बड़ी निशानी है, लेकिन इसके पूर्व गेट पर बन रहे म्यूजियम का नाम छत्रपति शिवाजी के नाम पर होगा। सोमवार को आगरा के विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐलान किया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके कहा कि आगरा में निर्माणाधीन म्यूजियम को छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाएगा। आपके नए उत्तर प्रदेश में गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों को कोई स्थान नहीं है। हम सबके नायक शिवाजी महाराज हैं। जय हिंद, जय भारत। इस म्यूजियम को मुगल म्यूजियम के नाम पर बनवाने का फैसला यूपी की अखिलेश यादव सरकार ने किया था। 5.9 एकड़ में बन रहे इस म्यूजियम प्रोजेक्ट का बजट 141 करोड़ का है। यूपी टूरिज्म इस इमारत को बनवा रहा है, जिसका 40% काम पूरा हो चुका है। योगी सरकार ने काम को तो तेजी से पूरा करने का आदेश दिया, लेकिन लगे हाथ नाम बदल दिया, जिस पर कांग्रेस और एसपी ने यह कह के तंज कसा कि योगी के पास नाम बदलने के अलावा कोई काम नहीं है। वहीं शिवाजी के वंशज संभाजी छत्रपति ने सीएम योगी का महाराष्ट्र की जनता की ओर से शुक्रिया अदा किया, लेकिन योगी सरकार के इस फैसले का कुछ मौलानाओं ने विरोध भी किया। योगी सरकार ने भारत की संस्कृति का गौरव लौटाने के नाम पर पहले भी नाम बदले हैं, और अब ताजमहल के म्यूजियम का मुगल नाम बदलकर उन्होंने फिर संग्राम खड़ा किया है। हमारे वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।